गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। आज है डे 8 और यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल बाइक्स पार्क्ड है। डोमिनार है, ये है, इंटरसेप्टर है, R15 और आज देखो बाइक है। अरे भाई, आदित्य का ड्रीम बाइक है इधर अपना। एक नहीं, दो दो है। टाइगर XCX इन ग्रीन, टाइगर XCX इन व्हाइट। तो टेंट तो मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन ये जो हमारा रूम है ये दिखा देता हूँ। ये बुलेट भाई का सामान है, वो लोग अभी पेट्रोल लेने गए हैं। और ये हमारा रूम, ये मेरा आइटम वुडन है, ये मेरा सामान, ये इधर, ये तीन रूम हमारे ही है। आज फाइनली पेट्रोल कैरी करना ही पड़ रहा है, तो ये दोनों अपने भाई लोग हैं, टेकीज ऑन रोड एंड बुलू भाई। दोनों बेचारे सुबह 64 किलोमीटर अप डाउन करके आए हैं फॉर द पेट्रोल। ऑडियो को बेटर करने के लिए मैंने माइक लगाने की कोशिश की, बट जो ऑडियो है वो पूरा म्यूट आया है। दो वीडियोस और है जिसमें से प्रॉब्लम है। फिलहाल हम लोग खड़े हैं चेक पोस्ट पे, यहाँ से ही शिंकुला पास भी जाया जाता है और अभी हम लोग जा रहे हैं लेह की तरफ। यहाँ पे कुछ लोग नहाने चले गए इतनी ठंडी में, इस लेक में माइनस में टेम्परेचर। तो फाइनल ऑफ रोडिंग चालू हुई है बॉस। जिस्पा टू ले में आपको मैक्सिमम ऑफ रोडिंग मिलेगा। इवन मोरवे प्लेन्स का जो रोड है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, और पांग तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रोड है इस पूरे सेक्शन में। अपने संतोष भाई ने ये स्पॉट ढूंढा और यहाँ पे जो ड्रोन उड़ा के शॉट आया है वो किसी मूवी सीन से कम नहीं है। यार गाइस आपको ड्रोन शॉट पसंद आया होगा। जैसे ही वो खत्म हुआ हम लोग इस वाटर क्रॉसिंग में आ गए और अभी हमारा बैड रोड्स का सिलसिला चालू हो गया। देख रहे हैं आप मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये जो क्रॉसिंग है ये दिखने में जितना सिंपल है वैसा है नहीं। छोटा सा क्रॉसिंग है लेकिन इसमें पत्थर जो है बहुत ज्यादा शार्प है एंड बहुत ही संभाल के हमको यहाँ पे निकालना पड़ रहा था। जिस्पा से पांग का सबसे बड़ा खासियत ये है कि टेरेन कितनी जल्दी चेंज होता है। देख रहे हैं आप, अभी मैं मिट्टी में आ गया हूँ। ये डेजर्ट की मिट्टी की तरह है गाइस। देखो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ और गाड़ी कैसे निकालना पड़ रहा है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नमकीला पास। ये अराउंड 15,547 फीट पर है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस में जाना शुरू हो गया था। जिस्पा से ले में आपको टॉप पे टॉप मिलते जाएंगे। अभी हमने नमकीला छोड़ा था और ये आ गया है लाचुंगला। अराउंड 16,600 की अल्टीट्यूड पर है, पिछला वाला 15,500 पर था। तो अभी हम लोग ऐसे ही चढ़ते जाएंगे माइनस में टेम्परेचर जाते जाएगा। अभी रुके हम लोग पांग से 30 किलोमीटर पहले और ये बंजर जमीन है, कुछ नहीं है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये लोग बहुत पीछे रह गए अभी और हमने नमकीला पास भी क्रॉस कर लिया। एक्चुअली ना जल्दी जल्दी पहुँचने का यार, नहीं मैं काफ़ी काम है, पीठ दर्द कर रहा है मेरा, मुझे स्ट्रेचिंग कराना है, मसाज कराना है, काफ़ी काम है भाई लोग। किलोमीटर्स देख लो, आंटी के पास रुके थे हम लोग, बहुत मज़ा आया। तो अब निकलेंगे, फटी हुई है, 5:10 हो रहे हैं और हमको पहुंचना है लेह। और यहाँ पर एक सैड घटना देखी, एक GS 1200 गाड़ी, पता नहीं टोटल लॉस हो गया था, ये गाड़ी पूरी डैमेज थी तो ये ट्रक में जा रही है। मोरवे प्लेन्स और हम लोग काफी लेट पहुंचे हैं यहाँ पर। रोड अच्छा है बट सडनली खराब हो जाता है। देखो इतनी रात में हम लोग इस रोड पर है,
अगर हमारी लाइट्स बंद करे तो पूरा रोड ब्लैक हो जाता है। तो इधर मैं संतोष भाई को ज़रा चेक कर रहा था कि उनकी गाड़ी सही है कि नहीं, और मेरे भी वो टायर प्रेशर चेक कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकले टुवर्ड्स तांगलांगला। अराउंड 9 साढ़े 9 बजे हम लोग तांगलांगला को क्रॉस करने वाले हैं। बिना रुके हम लोग यहाँ से निकल गए, और निकलते ही एक छोटा सा सीन हुआ जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। हालांकि वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि -10 -11 का टेम्परेचर था। लद्दाख चेक पोस्ट पे हम लोग पहुँचे और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमको कोविड रिपोर्ट पूछा गया। यहाँ से डायरेक्ट निकले हम लोग पेट्रोल पम्प की तरफ जो कि लेह में है। यहाँ पे पेट्रोल भरा के हमने बुक किया होटल याकटेल, जहाँ पर हमको मिले जुनेद भाई। तो लेट नाइट का टाइम था तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाया और शूट करने का मन भी नहीं था, इसलिए बेस्ट हमने ये किया कि हम लोग रेस्ट लिया और नेक्स्ट डे जो है आपको बताएंगे।